नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 13 अगस्त, जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल देश दुनिया संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही बेंगलुरु हिंसा को लेकर, जहाँ पर लग गया योगी मॉडल। यूपी की तर्ज पर कर्नाटक सरकार दंगाइयों से करेगी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई। तो वही दूसरी बड़ी अपडेट के रूप में जानेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान को अमेरिका से एक बार फिर से लगाई गुहार। बोले भारत से करा दो टेंशन को कम, सेना की घेरेबंदी से लग रहा है डर। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर सेना ने एक बार फिर से खरीदने जा रहा है लगभग 9,000 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक हथियार। पाकिस्तान के छूटे पसीने। वहीं आपको बता दें कि बड़ी अपडेट के रूप में, जहां पर पाकिस्तान को भारी पड़ा सऊदी से टकराव। डैमेज कंट्रोल को आनंद फानंद, सेना प्रमुख बाजवा लगाने जा रहे हैं सऊदी में हाजिरी। तो वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुशांत केस में, डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे ने की सीबीआई जांच की मांग। शरद पवार बोले ये बचकानी हरकत, यानी अब अंदरूनी कलह दिख रही है सीबीआई जांच को लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी खबर बेंगलुरु से, कांग्रेस के विधायक ने कहा कि चमत्कार है कि मैं जिंदा हूँ। कर्नाटक में उपद्रवियों से बाल बाल बचे कांग्रेस विधायक ने खौफनाक मंजर को बताया अपने सामने। इस बीच शाह फैसल का बड़ा ऐलान, बोले कश्मीर में 5 अगस्त से पहले का दौर लौटना शक्ति का लौटाने की किसी के पास शक्ति नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वो मुख्य सचिव भी बनाए जा सकते हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार भी बनाए जा सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे कि करके, जहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पीएम जॉनसन का बड़ा ऐलान, बोले भारत के खिलाफ किसी भी हरकत का समर्थन नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि 23,76,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं मृतकों की संख्या 46,000 को पार कर गई। जी हाँ, आपको बता दें कि 46,700 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुनिया भर के देश भर के कोविड-19 के आंकड़े हैं, जबकि 16,77,000 वर्तमान में रिकवर यानी स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा है। तो वहीं एक्टिव केसेस 6,51,000 के करीब हो चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु हिंसा के बीच यूपी की तर्ज पर कर्नाटका सरकार दंगाइयों से करेगी संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई। दरअसल बेंगलुरु हिंसा पर कर्नाटका के मंत्री सी टी रवि ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दंगे को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल बम और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। 300 से अधिक वाहन जलाए गए। हमारे पास संदिग्ध लेकिन जाँच के बाद पुष्टि की जा सकती। हम यूपी की तर्ज पर नष्ट हुए संपत्ति की नुकसान की वसूली दंगाइयों से करेंगे। कर्नाटका के मंत्री का यह बयान बेंगलुरु हिंसा के संदर्भ में आया है। एक प्रत्यक्षदर्शियों के दावे के मुताबिक इस हिंसा के दौरान एक ईशा निंदा करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ 50,000 से 60,000 की उग्र भीड़ सड़क पर उतर आई थी, जिसके बाद कर्नाटका सरकार ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया। बोला भारत से लग रहा है डर। जिस तरीके से सेना की घेरेबंदी और हथियारों का जखीरा बॉर्डर पर हो रहे हैं इकट्ठा, लग रहा है डर। टेंशन कम कराओ। दरअसल पाकिस्तान ने भारत संग टेंशन कम कराने के लिए मंगलवार को अमेरिका से गिड़गिड़ाया है। पाकिस्तान के विदेश सचिव सुहेल महमूद ने अमेरिका के राजनीतिक मामलों के अपर सचिव डेविड हेले से वर्चुअल बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए मदद मांगी। हालांकि भारत पहले ही 2 टूक कह चुका है कि किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं की जाएगी जब तक वो आतंकवाद को समर्थन देगा। लेकिन इस बीच सुहेल महमूद ने आरोप लगाया है कि एलएसी और एलओसी पर लगातार तनाव बढ़ रहे हैं और भारत की तरफ से अपने हथियारों के जखीरों को बढ़ाया जा रहा है, जो कि न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि सभी पड़ोसी मुल्कों के लिए एक खतरा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बॉर्डर यानी एलओसी पर जो तनाव है उसको अमेरिका मध्यस्थता के जरिए कम कराए। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किस हद तक पाकिस्तान डर चुका है उन हथियारों के जखीरों से और राफाल विमान आने से।
हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, क्योंकि अभी तो ये ट्रेलर है। सेना फिर से 9000 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक हथियार खरीदने जा रही है। ये गन मिसाइलों से लैस होंगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को तीनों सेनाओं के लगभग 9000 करोड़ रुपए के नए और उन्नत हथियारों को खरीद की मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में खरीद के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। और इसके बाद से अब चीन के और पाकिस्तान के तो पसीने छूटने तय माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें कई युद्धक क्षमता वाले हथियार के साथ साथ गन मिसाइलें भी लैस होंगी। हम चलते हैं अगली अपडेट, काशी विश्वनाथ मंदिर वर्सेज ज्ञानवापी मंदिर केस, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की नोटिस जारी करने का आदेश। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद मथुरा और काशी को लेकर हिंदूवादी संगठनों में हलचल तेज कर दी है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये हलचल सियासी गलियारों में सुनाई देने लगे हैं। इधर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजनल यानी फास्ट ट्रैक के कोर्ट में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर मसले की सुनवाई भी चल रही है, जिस पर अब सबकी नज़रें टिक गई हैं। इस बार की तारीख में जिला जज की अदालत ने प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए अग्रिम सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर रखी है। आपको बता दें कि पिछले तारीख 1 जुलाई को प्रतिवादी अंजुमन इंजामिया मस्जिद की ओर से जिला जज उमेश चंद्र शर्मा को अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। पाकिस्तान को भारी पड़ गया सऊदी से टकराव, डैमेज कंट्रोल को सेना प्रमुख बाजवा जा रहे हैं UAE हाजिरी लगाने। दरअसल कश्मीर को लेकर हताश और बेचैन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पंगा ले लिया। इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बड़बोलेपन में तो सऊदी अरब को ही चुनौती दे डाली, लेकिन अब ये पाकिस्तान को काफ़ी भारी पड़ रहा है। हालात को संभालने के लिए अब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को अगले सप्ताह सऊदी भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द न्यूज़ ने यह जानकारी दी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से चीन के मदमस्त हो चुका है चीन में पाकिस्तान, कि अब सऊदी अरब को भी चेतावनी देने लगा। हालांकि सऊदी ने तेल पानी हुक्का पानी सब बंद कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत केस में डेप्टी CM अजीत पवार के बेटे ने की CBI जांच की मांग, तो भड़क गए शरद पवार, बोले ये बचकानी हरकत है, मुंबई पुलिस सक्षम जांच करने के लिए। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की थी। इस दौरान पार्थ पवार ने सुशांत केस में CBI या फिर SIT से जांच करवाने की मांग की थी। अब इस मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पार्थ अभी बचकानी हरकत कर रहा है। शरद पवार ने कहा कि हमारे पोते यानी पार्थ ने सुशांत केस में जो कहा है वो एक बचकानी हरकत है और उस पर कोई महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से बचकानी हरकत है। महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है सुशांत की जांच करने के लिए। तो इस तरीके से वह घर में ही बगावत हो चुकी है CBI जांच को लेकर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चमत्कार है कि मैं जिंदा हूँ, कर्नाटका में उपद्रवियों से बाल बाल बचे कांग्रेस विधायक ने बयां की उस खौफनाक मंजर को। दरअसल कर्नाटका में कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति कहते हैं कि एक चमत्कार है कि वो जिंदा है। हाथ में कुल्हाड़ी तलवार और पेट्रोल पंप के लिए उग्र भीड़ ने मंगलवार रात उनके घर पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने उनके घर में जमकर लूटपाट की और फिर सामानों में आग लगाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने दावा किया कि यह हमला पूरी तरीके से सुनियोजित था। बुधवार दोपहर विधानसभा में राज्य के राजस्व मंत्री और अशोक से मुलाकात के दौरान उन्होंने घटना की जाँच CBI से कराने की मांग की। मूर्ति ने पत्रकारों से कहा है कि ये चमत्कार है कि मैं जिंदा हूँ, वरना जिस तरीके से इन दंगाइयों ने हम पर अटैक किया था वो पूरी तरीके से हमारी जान लेने पर ही तुले थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक विधायक को इस तरीके से घर में घुसकर जलाकर मारने की पूरी तरीके से तैयारी रची गई थी। एक पोस्ट पर इस तरीके से युद्ध और आक्रामक देश को फूंकने के लिए तैयार बैठे हैं ये दंगाई। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। साफ फैसल का बड़ा ऐलान, बोले कश्मीर में 5 अगस्त से पहले का दौर अब लौटाने की किसी की शक्ति नहीं है। जी हाँ, दरअसल IAS टॉपर साफ फैसल ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में विदाई ले ली है। उनका राजनीतिक करियर आर्टिकल 370 को बलि चढ़ गया। उन्होंने 370 को निरस्त किए जाने की कड़ी आलोचना करने वाले शाह ने पिछले हफ्ते राजनीति से
किनारा करते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिससे इलाकों की आबादी को नाराज कर दिया है। अगर सभी चीज़ें सही रहती तो शाह ने इस महीने आखिर में आईएस में फिर से शामिल होने की संभावना है। उन्होंने इस पर यूटर्न लेते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अब जम्मू कश्मीर उस 5 अगस्त 2019 के पहले वाला जम्मू कश्मीर कभी भी बन पाएगा, क्योंकि अब उसमें किसी भी तरीके से उस दौर में लौटाने की किसी की शक्ति नहीं है। अब हमें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और इसी जम्मू कश्मीर में रहन सहन करने के लिए हमें पूरी तरीके से एकाग्र होना पड़ेगा। और इस बीच ये भी खबर निकल के आ रही है कि शाह फैसल को नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं फिलहाल। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बड़ा ऐलान, बोले भारत के खिलाफ किसी भी हरकतों का नहीं करने वाला है समर्थन। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आश्वस्त किया है कि वो देश खालिस्तानी गतिविधियों या भारत की किसी भी हरकत का समर्थन नहीं करेंगे। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के चेयरमैन और कारोबारी लॉर्ड रामी रेंजर के मुताबिक पीएम जॉनसन ने एक बैठक में ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के अलावा चांसलर ऋषि सुनक भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने देश में, ना ही इसका हम कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले कई लोग ब्रिटिश में थे और इसी को लेकर ब्रिटेन ने कड़ी कार्रवाई की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, भारतीय जनता बीजेपी के विधायक के साथ मारपीट के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी कार्रवाई। एसओ सस्पेंड, एएसपी का तबादला, आईजी से मांगी गई रिपोर्ट। दरअसल यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ थाने में हुई मारपीट के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी के निर्देश के बाद संबंधित थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही एसपी ग्रामीण का तबादला भी कर दिया गया है। सीएम योगी ने इस मामले में आईजी अलीगढ़ को कल तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए। दरअसल बुधवार को अलीगढ़ के थाना गौड़ा परिसर में इगलास से भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी और थानेदार आपस में भिड़ गए थे। आरोप है कि एसओ सहित 3 धाराओं में उनके साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने की भी बात है। दरअसल आपको बता दें कि मामला था कि विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता रोहित वारसेन व उनके भाई के साथ कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी। इस मामले में सलीम आदि के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। 3 दिन बाद पुलिस ने सलीम पक्ष की तरफ से भी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और इसके बाद एफआईआर लिख दिया गया और इसी के मामले में विधायक इगलास राजकुमार सहयोगी थाना पहुंचे, जिसके बाद ये झड़प हुई थी। और इसी के मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए स्वयं उन्होंने इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि जनपद अलीगढ़ में माननीय विधायक के साथ हुई घटना के संबंध में डीजीपी यूपी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। एएसपी ग्रामीण का स्थानांतरण कर दिया गया है। आईजी अलीगढ़ से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई और थाना अध्यक्ष का ये ढुलमुल रवैया कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन को गिलगित बल्टिस्तान में दिया सोना, यूरेनियम खनन का अवैध ठेका। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने स्वयं के संविधान की अवहेलना की है। कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान जीवी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए चीनी खनन कंपनियों को खुली छूट दे दी है। यही नहीं, इस्लामाबाद के डिमायन डिवीज़न में भी एक बांध बनाने के लिए बीजिंग के साथ अरबों डॉलर का अनुबंध कर रहा है। यानी पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के हाथों में बिक रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि जो भारतीय इलाके हैं पीओके, मानो तो पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर भी पाकिस्तान कई ऐसी चीन के प्रोजेक्ट को चालू करने की मंजूरी दे रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में टकराहट बढ़ सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर नहीं रहे कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव त्यागी, हार्ट अटैक से हुआ निधन। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का कल हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजीव त्यागी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें गंभीर हालत में गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राजीव त्यागी कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता थे और टीवी चैनलों पर डिबेट में प्रभावशाली तरीके से पार्टी का पक्ष रखते थे। जानकारी के मुताबिक राजीव त्यागी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक राजीव त्यागी की तबीयत
कल दिन भर एकदम ठीक थी। शाम को उन्होंने आज तक पर डिबेट किया, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और गिर पड़े। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो गई और माना जा रहा है कि ये मौत फिलहाल हार्ट अटैक से हुई, जो कि एक दुखद खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत के पिता के वकील का बड़ा दावा, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी एक शातिर अपराधी है, FIR के बाद रिया की कर रहा था मदद। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सुशांत के पिता के वकील ने सिद्धार्थ पिठानी को एक शातिर अपराधी बता दिया। वकील विकास सिंह ने कहा है कि सिद्धार्थ की हरकतें शुरुआत से ही काफ़ी संदिग्ध थी। उन्होंने कहा है कि FIR दर्ज नहीं हुई थी तब तक सुशांत के परिवार से नियमित तौर पर बात कर रहा था और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही FIR दर्ज हुई उसने अचानक से रिया की मदद करनी शुरू कर दी। और सुशांत के पिता के वकील ने कहा है कि FIR दर्ज होने के बाद जिस ढंग से उसका व्यवहार रहा है, जिस ढंग से वो रिया को ईमेल कर रहा है, वो शक पैदा करता है। एक आरोपी की जिस ढंग से मदद की जा रही है उसे देखकर रिया और सिद्धार्थ के बीच सहभागिता को भी दिखाता है और ऐसे में उस पर भी शिकंजा कसना चाहिए, ये मांग की गई है सिद्धार्थ के परिवार से। हम चलते हैं दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में, इतना ही। दुनिया भर में जो COVID-19 के आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो 2 करोड़ के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 2,03,00,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं तो मृतकों की संख्या 7,41,000 को पार कर गई। यूनाइटेड स्टेट में 51,54,000 कन्फर्म केसेस तो 1,64,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 31,12,000 कन्फर्म केसेस तो 1,03,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 23,29,000 कन्फर्म केसेस तो वहीं 46,000 के आंकड़े पार कर गए। तो दुनिया भर के COVID-19 के आंकड़े। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर भी इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो तो नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम।